आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा जो जियो इंटरनेशनल में SMS फ्री है क्या नहीं है। आज के इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा जियो इंटरनेशनल में SMS फ्री है क्या नहीं है। तो देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हमारा इस चैनल को न्यू व्यूवर्स है जो भी देख रहे हैं सब्सक्राइब करके रख लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल भी ऑन कर दीजिए ताकि ऐसा वीडियो डालने के बाद आप लोगों के पास पहुँच आप लोग देख सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए बहुत सारा लोग ने मुझे कमेंट्स कर रहा है भाई हम लोगों को सिर्फ SMS चाहिए, OTP चाहिए, बैंक से लिंक है वगैरह वगैरह, गूगल पे फ़ोन पे ये सब बहुत मैसेज कर रहा है मेरे को। ठीक है मैं सोचा कि वीडियो बना हुआ एक आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूँ और मैंने भी यूज़ कर रहा हूँ जियो इंटरनेशनल में। ठीक है आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ। मैं खुद मैं मतलब मैं यह हो गया मैं खुद साला जियो इंटरनेशनल में मैं जो दुबई में इस सिम कार्ड यूज़ कर रहा था तो SMS बिल्कुल फ्री है। ठीक है मतलब मैंने रिचार्ज भी नहीं किया और मैसेज इनकमिंग पूरा मेरे बैंक से आ रहा है, हर एक चीज़ से मतलब मैसेज आ रहा है, घर से भी मैसेज कर रहा है। वो पैसा नहीं डाला हुआ मैं, लेकिन मेरा नेटवर्क ऑटोमेटिक आ गया दुबई में। ठीक है मेरा ऑटोमेटिक आ गया, मैं ना इंटरनेशनल पैक भर के गया ना कुछ भी करके गया। ठीक है मैं सिर्फ एक बार कस्टमर से बात किया था मुझे इंटरनेशनल पैक भराना है, ठीक है इतने ही बात किया, बाद में मैं नहीं भराया। तो किसी किसी के हैंडसेट में आ जाता है, किसी किसी के नहीं आता है, और मैं शायद ऑन भी करके रखा होगा इंडिया में, जाने के बाद वहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया दुबई में, ऐसा भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे हैंडसेट में आता है, बहुत सारा में नहीं आता है, बहुत सारे हैंडसेट रिस्टार्ट करने के बाद भी ऑटोमेटिक आ जाता है सिम स्लॉट में, एक नंबर में सिम कार्ड रखने के बाद ऑटोमेटिक आ जाता है। किसी किसी का आता है, किसी किसी का नहीं आता है, वो डिपेंड करता है। ठीक है तो देखिए बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं भाई हम कनाडा, जापान, चीन, दुबई, सऊदी अरबिया, USA, कनाडा, हर एक जगह से मुझे श्रीलंका से मैसेज आ रहा है भाई ऐसे ऐसे हमारा नेटवर्क नहीं आ रहा वगैरह वगैरह प्रॉब्लम है। मेरा वीडियो जितने भी चैनल में मैं वीडियो डाल रहा हूँ तो जाके देख लीजिए, देखने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा जियो इंटरनेशनल में कैसा काम करते, कैसा एक्टिवेट करना पड़ता है, कैसा यूज़ करते। तो बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा आपको। ठीक है तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊँगा जियो क्या सच में वर्ल्ड में इंटरनेशनल में SMS फ्री है क्या नहीं है। देखिए पूरा दुनिया में आप चला जाइए, दुनिया मतलब देखिए जियो का जो भी कंट्री में जियो कनेक्टिविटी है 170 कंट्री में लिस्ट तो है इसका, लेकिन जो भी कंट्री में आप जियो सिम कार्ड 170 कंट्री का अंदर जियो का मतलब कनेक्टिविटी है वहाँ पर अगर अवेलेबल है जियो का नेटवर्क दूसरा कंट्री के साथ मतलब कनेक्टिविटी है तो हम आपको 100% इंटरनेशनल SMS बिल्कुल फ्री रहेगा और SMS फ्री भी है, मैंने यूज़ किया इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। और ऐसा नहीं मैं मेरा मन से बता रहा हूँ, मैं जियो कस्टमर केयर को स्पेशलिटी जो होता है मैं पूरा बात करके आप लोगों के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है ऐसा नहीं मैं मेरा मन से बोल रहा हूँ, और मैं जियो स्टोर में जाके भी मैं बहुत सारा बात किया, उन लोगों को खुद ही पता नहीं है, इसलिए मैं कस्टमर जो स्पेशलिटी होता है उसके साथ बात करके भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ इस बात को ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो उसमें से बहुत सारे लोग ये भी बात बोल रहा है मेरे को भाई हमारे मोबाइल में तो नेटवर्क आ गया, टावर आ गया, लेकिन SMS नहीं आ रहा है, इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न भी सुन लीजिए क्यों मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए और समझिए। देखिए जियो का जो कनेक्टिविटी है कोई भी कंट्री में आप गया है तो आप लोगों को खुद ही पता है वहाँ पर कितना सारा कंपनी रहता है, नेटवर्क रहता है, जैसे कि इंडिया में रिलायंस, एयरटेल, BSNL, भी ऐसे ही सेम तीन चार कंपनी रहेगा वहाँ पर। लेकिन जियो के साथ जो कनेक्टिविटी है, जियो के साथ जो जियो ने कनेक्टिविटी दिया है नेटवर्क के साथ आपको कनेक्ट करेगा तो रजिस्टर होगा था तो भी जाके आप लोग यूज़ कर सकते हैं। सेम वैसे ही है आपको कनेक्ट करना है, अगर किसी को नहीं आ रहा है ना तो समझ लीजिए आपको टावर तो आ गया लेकिन दूसरा अदर नेटवर्क के साथ कनेक्ट हुआ। ठीक है ऐसा मेरा दुबई हुआ मेरे साथ, मैंने खुद करके देखा। ठीक है इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो इसलिए मेरे साथ हुआ, इसलिए आप लोगों को साथ भी हो रहा है शायद, इसलिए मेरे को बहुत सारे लोग कमेंट्स किया मेरे पास मैसेज नहीं आ रहा, रीज़न वही हो सकते हैं। ठीक है तो मेरा सारा वीडियो जाके देख लीजिए मेरे चैनल में, मैं नीचे लिंक नहीं दिया तो जाके देख लीजिए, प्रोफाइल में भी जाके आप लोग ढूंढ के देख सकते हैं। ठीक है तो जियो का SMS देखिए आप कोई भी कंट्री में चला जाइए, 170 कंट्री में अवेलेबल है जियो का नेटवर्क, अगर एक बार नेटवर्क आ गया तो SMS बिल्कुल फ्री है, चाहे आप रिचार्ज डालिए मत डालिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन SMS बिल्कुल फ्री है। अगर आप लोग रिचार्ज डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, 2 महीने 3 महीने बाद भी डालेगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं तो सिम
बोल नहीं सकते, सिम बंद भी हो सकते। 3-4 महीने में एक बार रिचार्ज डाल देने का, 1102 का जो प्लान है अभी बेस्ट प्लान आया वो भी डाल सकते 1 महीने के लिए, और 1101 का भी प्लान है वो भी डाल सकते। तो आप लोगों को समझ में आ गया मैं क्या बोला, जियो का SMS बिल्कुल इंटरनेशनल में फ्री है। आप लोग चाहे तो कोई भी कंट्री में जाइए, आप लोग फ़ायदा उठा सकते, कोई भी बैंक से गूगल पे से लिंक है तो भी आप लोग फ़ायदा उठा सकते। अगर आप लोगों को भरोसा नहीं हो रहा तो नीचे देख रहे हैं आपको नंबर चल रहा है, इस नंबर में कॉल करिए, इंटरनेशनल में आपको सारी जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, एक लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के साथ, ताकि ऐसे वीडियो में हमेशा लेके आते रहते। तो बस इतना ही था, अगर जो भी कंट्री में आप लोग गया है उस कंट्री से मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज करिए, और वीडियो बनाने के लिए 100% वीडियो बनाते रहूँगा आप लोगों के लिए। तो बस इतना ही था आज के वीडियो।